Hello, boys and girls, welcome back. Let's begin with the new question. The question says if matrix A is 1, minus 2, 3, minus 5, minus 6, 0, matrix B is minus 1, minus 2, 4, 2, 1, and 5, and matrix C is 2, 4, minus 1, minus 4, minus 3, and 6, then we have to find the matrix X such that 3A minus 4B plus 5X equals to C. Very easy question. So, without wasting any time, let's quickly begin with the solution. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गिवन विद इक्वेशन राइट सो लेट्स नोट इट डाउन थ्री ए माइनस फोर बी x तो हम क्या करेंगे ये जो मैट्रिक्स वी है इसको लेफ्ट हैंड साइड पर ही रखेंगे सारे को भेज देंगे राइट साइड पे तो नेक्स्ट स्टेप में दिस 5x विल रिमेन ऑन हैंड साइड राइट हैंड साइड ये जो प्लस थ्री ए है ये वहां जाकर हो जाएगा माइनस थ्री ए एंड माइनस फोर बी विल बिकम प्लस फोर बी

तो ये सारे एलिमेंट्स थ्री से मल्टीप्लाई होने पर क्या हो जाएगा ये थ्री माइनस सिक्स ये नाइन फिर ये थ्री इन टू माइनस फाइव माइनस फिफ्टीन देन दिस विल बी माइनस एटीन एंड दिस विल बी जीरो एंड रिमेंबर हम थ्री से मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस थ्री से नहीं कर रहे हैं क्योंकि माइनस को हमने बाहर एज इट इज रखा है तो सिर्फ पॉजिटिव थ्री जो है वो अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये पूरी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी थ्री माइनस सिक्स नाइन माइनस फिफ्टीन माइनस एटीन एंड जीरो प्लस फोर विल रिमेन प्लस विल रिमेन एज इट इज इनफैक्ट और ये जो फोर है ये फोर अंदर सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा दिस इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लीकेशन राइट तो फोर से मल्टीप्लाई करने पे ये क्या हो जाएगा माइनस फोर माइनस एट सिक्स एट वन फोर एंड ट्वेंटी फोर से मल्टीप्लाई कर दिया हमने सारे एलिमेंट्स को अब नेक्स्ट स्टेप में अगेन फाइव एक्स विल रिमेन एज इट इज अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है और उसमें इसको करना है एड तो ये क्या हो जाएगा फर्स्ट एलिमेंट टू माइनस थ्री एंड प्लस और माइनस माइनस फोर सो टू माइनस थ्री माइनस फोर Then 4, this minus and minus will be plus 6. So, 4 plus 6 and minus 8. Then, minus 1 minus 9 and plus 16. Then, minus 4 plus 15 and plus 8. Then, minus 3 plus 18 and plus 4. And finally, 6 minus 0 and plus 20. Now, simplify 5x will remain as it is. A 2 minus 3 minus 4 minus 5. then 4 plus 6, 10. 10 minus 8 will be 2. Minus 1 minus 9 is minus 10 फोर minus 16 will be टेन similarly its total will be माइनस then this will be माइनस and this will be इसका टोटल अब हमें क्या फाइंड करनी है x की वैल्यू तो ये फाइव को हम क्या करेंगे वहां पर ले जाकर डिवाइड कर देंगे तो नेक्स्ट स्टेप में x विल बी इक्वल टू ये 5 वहां जाकर बन जाएगा वन बाय फाइव और ये matrix एज इट इज आ जाएगी ऑल राइट माइनस फाइव टू 19 एंड ट्वेंटी सिक्स अब ये जो वन बाय फाइव है ये क्या है इस पूरे मैट्रिक्स का स्केलर मल्टीपल है तो ये वन बाई फाइव को हम क्या कर देंगे अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वन बाय फाइव जब माइनस फाइव से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा माइनस वन देन वन बाई फाइव को टू से मल्टीप्लाई करोगे तो इट बिकम्स टू बाय फाइव देन सिक्स से मल्टीप्लाई करने पर सिक्स बाय फाइव देन नाइनटीन बाई फाइव देन अगेन वन बाय फाइव को नाइनटीन से करेंगे 19 Final value of matrix X. Hope you have understood this. See you in the next video.